हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। जो CCS यूनिवर्सिटी से आप MA प्राइवेट कर रहे हो तो MA प्राइवेट सेकेंड ईयर का फिलहाल हम कराने वाले हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी भारत में राज्य राजनीति, भारत में राज्य राजनीति इस वीडियो में कराने वाले हैं, जिसका ये पेपर कोड है 471, जिसका पेपर कोड है 471 और ये पहला चैप्टर है। एग्जाम शुरू होने से पहले, यानी एग्जाम आपका होगा अभी 2 दिन बीच में है, उससे पहले मैं पूरा सिलेबस आपको करा दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। और हमारे यूट्यूब पर माँ मैराथन और मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो जो हमने लास्ट ईयर कराई थी, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर वाला देख लो और जो अब हम न्यू मॉडल पेपर करा रहे हैं उसे देख लो, और मैं 2-3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, आप उनको देख लेना, तो आपको काफ़ी क्वेश्चन उनसे मिल जाएंगे। और दूसरी बात, आपको थ्योरी जरूर पढ़ के जानी है। एग्जाम जब देने जाओ तो एग्जाम देने से पहले आपको जिस मॉडल पेपर से आप तैयारी कर रहे हो, जो भी मॉडल पेपर है, फिलहाल मैं तो चित्रा मॉडल पेपर करा रहा हूँ, आपको आपके पास चित्रा मॉडल पेपर है या कोई अन्य मॉडल पेपर है, आप उसकी थ्योरी को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि थ्योरी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। और आज का पेपर आपको कैसा गया, कितने क्वेश्चन हमारे वीडियो से आए, इस वीडियो में आपको कमेंट जरूर करना है, और नेक्स्ट वीडियो में क्या परिवर्तन करना है उसे भी कमेंट करें, हम जरूर परिवर्तन करके अगली वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस इस वीडियो में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 82 क्वेश्चन कराने वाले हैं। बुक का नाम है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, पेपर कोड है 471, जिसका पेपर कोड है 471, भारत में राज्य राजनीति बुक का नाम है, यानी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो चलिए इस वीडियो में पहली यूनिट कराने वाले हैं। पहली यूनिट में हमें क्या पढ़ना है आगे आपको बताने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, भारत में राज्य राजनीति स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया बुक का नाम है, पहली यूनिट है। पहली यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, सैद्धांतिक आधार, अर्थ एवं स्वरूप, दृष्टिकोण, वर्तमान प्रवृत्तियां, इस वीडियो में पढ़नी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, फेडरलिज्म विदाउट द सेंटर रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉरेंस सेज की यह रचना है। कौन सी, फेडरलिज्म विदाउट द सेंटर, लॉरेंस सेज की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयां राज्य की राजनीति कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य राजनीति कहलाती है, तो 2 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संघ के राज्यों के अपने संविधान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नहीं है, यानी भारतीय संघ के अपने राज्यों के संविधान नहीं है, तो 3 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 50वें दशक में राज्य राजनीति को अभिव्यक्ति दी, 50वें दशक में राज्य राजनीति को अभिव्यक्ति दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व ने, किसने, कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व ने 50वें दशक में राज्य राजनीति को अभिव्यक्ति दी। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र के समक्ष राज्य राजनीति का स्थान था, केंद्र के समक्ष राज्य राजनीति का स्थान था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरा, केंद्र के समक्ष राज्य राजनीति का स्थान दूसरा था। क्वेश्चन नंबर 6, महाराष्ट्र में दलित आंदोलन चलाया, तो महाराष्ट्र में RPI ने दलित आंदोलन चलाया, तो 6 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सहकारी संगठन महाराष्ट्र से संबंधित है, कौन सा, सहकारी संगठन महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा के प्रसिद्ध नेता ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौधरी देवीलाल, कौन थे ये, हरियाणा के प्रसिद्ध नेता चौधरी देवीलाल। क्वेश्चन नंबर 9, देश में किस वर्ष आपातकाल लगाया गया, तो देश में 1975 में आपातकाल लगाया गया, तो 9 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1975 में देश में जो आपातकाल लगाया गया 1975 में।
क्वेश्चन नंबर 10, जेपी आंदोलन के प्रणेता थे, जेपी आंदोलन के प्रणेता थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन के प्रणेता थे। क्वेश्चन नंबर 11, सरकारी आयोग की नियुक्ति हुई, तो सरकारी आयोग की नियुक्ति 1983 में हुई। कब? सरकारी आयोग की नियुक्ति 1983 में हुई। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय क्रांति दल का गठन क्या था, भारतीय क्रांति दल का गठन क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चरण सिंह ने, किसने? चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 13, हरित क्रांति हुई, तो हरित क्रांति 70 के दशक में हुई, तो 13 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 70 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 14, गठबंधन सरकारें सामने आई, गठबंधन सरकारें सामने आई, तो 1994 में गठबंधन सरकार सामने आई, तो 14 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गोरक्षा आंदोलन चलाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरएसएस ने, किसने? आरएसएस ने गोरक्षा आंदोलन चलाया। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य राजनीति का सर्वमान्य दृष्टिकोण है, राज्य राजनीति का सर्वमान्य दृष्टिकोण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवस्थित दृष्टिकोण। क्या? व्यवस्थित दृष्टिकोण राज्य राजनीति का सर्वमान्य दृष्टिकोण है। 16 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सत्रह, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज किसकी रचना है, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीएस आमंड एवं जेएस कालमैन की यह रचना है। कौन सी? द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग, ये जीएस आमंड एवं जेएस कालमैन की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 18, व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रयोग क्या, व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रयोग क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉल ग्रास ने व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रयोग किया, किसने? पॉल ग्रास ने। क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस के संस्थानीकरण, क्या? कांग्रेस के संस्थानीकरण का अध्ययन किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजनी कोठारी ने कांग्रेस के संस्थानीकरण का अध्ययन किया, तो रजनी कोठारी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मायरन विनर की यह रचना है। कौन सी? स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, मायरन विनर की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 21, ऐतिहासिक भौतिकवाद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण ऐतिहासिक भौतिकवाद है। क्वेश्चन नंबर 22, सापेक्ष स्वायत्तता रखती है, तो सापेक्ष स्वायत्तता राजनीति में रखती है, किसमें? सापेक्ष स्वायत्तता राजनीति रखती है। क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया इंडिपेंडेंट रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेथलहेम की ये रचना है, चार्ल्स बेथलहेम की इंडिया इंडिपेंडेंट रचना है, चार्ल्स बेथलहेम की। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रैंकफर्ट स्थित है, तो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्राम्स्की थी, वो नव मार्क्सवादी थी, तो 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नव मार्क्सवादी ग्राम्स्की थी। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक हैं, तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन से? अल्थुजर, कोलापोस्को और पुलांच, ये सभी यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, लोसार्ट एक दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए, एक दार्शनिक कौन था? लोसार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निर्जातीय दंगों पर दृष्टिकोण विकसित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉल ग्रॉस ने निर्जातीय दंगों पर दृष्टिकोण विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया अगेंस्ट इट सेल्फ किसकी रचना है,
इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव बरुआ की यह रचना है। किसकी? संजीव बरुआ की। इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ रचना किसकी है? संजीव बरुआ की यह रचना है। तो 29 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी की जो भी सूचना आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम सबसे पहले पहुँचाते हैं। और दूसरी बात, MA पॉलिटिकल साइंस का संपूर्ण कोर्स कराए रहे हैं, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं। नंबर 30, इंटरगेटिंग सोशल कैपिटल। क्या? इंटरगेटिंग सोशल कैपिटल संपादित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा। किस किस के? द्वैपायन भट्टाचार्य द्वारा, निर्जय जयाल द्वारा, सुधा पई द्वारा। क्या? सुधा पई द्वारा। तो इन सभी द्वारा इंटरगेटिंग सोशल कैपिटल संपादित की गई। तो 30 का ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्रता के पश्चात कितने दशक तक राज्य राजनीति केंद्र के प्रभाव में रही? तो 2 दशक तक। तो 31 का ऑप्शन ए, 2 दशक। क्वेश्चन नंबर 32, 1950 के दशक को निम्नलिखित में किस विद्वान ने सर्वाधिक खतरनाक दशक कहकर संबोधित किया? तो कि सेलिंग हैरिसन ने कहा कि 1950 के दशक को जो सेलिंग हैरिसन विद्वान थे, इन्होंने सर्वाधिक खतरनाक दशक कहकर संबोधित किया। तो 32 का ऑप्शन डी, सेलिंग हैरिसन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस वर्ष को गठबंधन सरकारों का अभ्युदय वर्ष माना जाता है? तो 1969 को गठबंधन जो सरकारें आई थी, गठबंधन सरकारों का अभ्युदय वर्ष माना जाता है, यानी 1969 को। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय राज्य राजनीति की उपज नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। ये क्षेत्रीय राज्य राजनीति की उपज नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। 35, निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थित दृष्टिकोण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉल ग्रास। दृष्टि जो व्यवस्थित दृष्टिकोण से संबंधित कौन है? पॉल ग्रास। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा भारत में राज्यों की राजनीति की प्रकृति का एक कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत को डैश द्वारा समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत को 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। तो 37 का ऑप्शन ए, 42वें संशोधन द्वारा। 38, निम्नलिखित कथनों के विषय में सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है, यानी भारत एक संघात्मक राज्य है यह ठीक है, भारत में दोहरी नागरिकता है यह गलत है। तो भारत में इकहरी नागरिकता है और भारत एक संघात्मक राज्य है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संघात्मक व्यवस्था मुख्य रूप से कनाडा की संघात्मक व्यवस्था से प्रभावित है? तो 39 का ऑप्शन सी, कनाडा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था मुख्य रूप से कनाडा की संघात्मक व्यवस्था से यानी प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 40, 1953 में भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। 1953 में भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी डी इसका राइट आंसर है, कि भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन राज्यों की विविधतापूर्ण स्थिति यानी राज्यों की विविधतापूर्ण स्थिति, भारतीय राजनीति का पुनर्गठन, आंतरिक राजनीतिक प्रतिरूप में परिवर्तन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 41 का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
भारत को व्यवस्था के लिए जाना जाता है, तो भारत को बहुदलीय व्यवस्था के लिए जाना जाता है, तो 42 का ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था। 43 भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार प्रभावित है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार प्रभावित है। 44 भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया, तो 44 का ऑप्शन ए यानी भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया, तो 44 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 भारत में अवशेष विषयों के संदर्भ में डैश को शक्ति प्रदान की गई, तो भारत में अवशेष विषयों के संदर्भ में केंद्र को शक्ति प्रदान की गई है, तो केंद्र को। क्वेश्चन नंबर 46 मूल अधिकार यानी मूल अधिकार के उल्लंघन पर न्यायालय की शरण लेना अपने आप में एक मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद किस में रखा गया है, 47 का ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है संविधान में जो रखा गया है नीति निर्देशक तत्व, तो आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तीन सूचियों में, किसमें तीन सूचियों में। 49 समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कौन कानून बना सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, 49 का ऑप्शन सी केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। 50 भारतीय समाज डैश में एक विश्वास करता है, तो भारतीय समाज विभिन्नता में एकता में विश्वास करता है, इसमें विभिन्नता में एकता विश्वास करता है। 51 भारत के संविधान में इंडिया के लिए दूसरे किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो भारत, क्या भारत, भारत जो भारत का संविधान है उसमें इंडिया के लिए दूसरे शब्द का जो प्रयोग किया गया वह है भारत, तो 51 का ऑप्शन बी भारत। क्वेश्चन नंबर 52 भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया है, भारतीय संविधान में भारत को यानी भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, किसका, भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। 53 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आर्थिक आपातकाल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, कितना अनुच्छेद 360 ये आपका आर्थिक आपातकाल से संबंधित है। 54 अच्छी सरकार को उसके की क्षमता से मापा जाता है, तो अच्छी सरकार को उसके प्रशासन की क्षमता से मापा जाता है, 54 का ऑप्शन ए प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 55 भारत दो राजनीतिक संस्कृति इंडिया टू पॉलिटिक्स कल्चर लेख किसने लिखा, यानी भारत दो राजनीति संस्कृत इंडिया टू पॉलिटिक्स कल्चर लेख किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मायरन बिनर ने, मायरन बिनर ने यह लिखा। 56 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है, तो जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 नीति निर्देशक तत्व प्रकृति से डैश सकारात्मक है, नीति निर्देशक तत्व प्रकृति से सकारात्मक हैं, तो 57 का ऑप्शन बी सकारात्मक। 58 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श राज्य यानी आदर्श राष्ट्रीय एकता को जन्म देता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श राष्ट्रीय एकता को जन्म देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसुदेव कुटुंबकम, क्या वसुदेव कुटुंबकम जन्म देता है। 59 भारत को अर्धसंघात्मक किसने कहा, भारत को अर्धसंघात्मक केसी हीये ने कहा, किसने, केसी हीये ने भारत को अर्धसंघात्मक कहा।
1960 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहले दो दशकों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस दल का प्रभुत्व रहा? तो कांग्रेस का। 61 पॉलिटिक्स पुस्तक किसके यानी किसने लिखी? तो अरस्तु ने पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी, तो 61 का ऑप्शन बी अरस्तु ने। 62 भारतीय संविधान में गणतंत्र का विचार डैश के संविधान में लिया गया? तो भारतीय संविधान में गणतंत्र का विचार फ्रांस के संविधान से लिया गया, तो 62 का ऑप्शन सी फ्रांस। 63 भारत में राष्ट्रीय प्रशासन सर्वप्रथम किस प्रदेश में लगाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। 64 आरंभ में राष्ट्रपति शासन अधिकतम डैश के भीतर लगाया जा सकता है? तो आरंभ में यानी प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, तो 64 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति प्रदान करता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 प्रस्तुत करता है यानी अनुमति प्रदान करता है। 66 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संदर्भ में राज्य शब्द का परिभाषित करता है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में राज्य शब्द का परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 12। क्वेश्चन नंबर 67 वर्ष में 1948 में किस आयोग ने भाषाई आधार के स्थान पर प्रशासनिक सुधार सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 भारत में राज्य राजनीति की प्रकृति डैश है? तो भारत में राज्य राजनीति की प्रकृति संसदात्मक है। 69 भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई। तो 69 का ऑप्शन बी 1975। क्वेश्चन नंबर 70 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 164। कितना? अनुच्छेद 164। 71 राज्यों में विधान परिषद सृजित करने एवं समाप्त करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। कितना? अनुच्छेद 169 यानी 169। क्वेश्चन नंबर 72 सरकारी आयोग की अवधि क्या थी? सरकारी आयोग की अवधि 1983 से 1987 थी। कितने? 1983 से 1987 थी। क्वेश्चन नंबर 72 भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और इसकी इकाइयों के मध्य शक्ति विभाजन से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और इसकी इकाइयों के मध्य शक्ति विभाजन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 74 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009 में पारित किया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 में पारित किया गया। किसमें? 2019 में पारित किया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल तो 2019 में पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2019। क्वेश्चन नंबर 75 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान के भाग 4 में है। क्या? भारत के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। 76 से सन 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
फजल अली, क्या फजल अली। क्वेश्चन नंबर 77, राज्य की राजनीति पर 1968 में लिखी गई पहली पुस्तक स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक थे, तो मायरन बीनर, क्या मायरन बीनर। ये स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक थे, कौन, मायरन बीनर। क्वेश्चन नंबर 78, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 78, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के किस शोध में भारत में सुशासन के समक्ष चुनौतियों को रेखांकित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिक उन्मुखी शासन। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न राज्यों में से किस राज्य की राज्यसभा में से एक सीट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। 80, वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, यानी वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मराम गोविंद खरे थे। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा, तो 81 का ऑप्शन सी, जी ऑस्टिन। 82, निम्न में से कौन सी संस्तुति द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक एवं निजी हिस्सेदारी की अनदेखी की जानी चाहिए, क्या सार्वजनिक एवं निजी हिस्सेदारी की अनदेखी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन डी, सार्वजनिक एवं निजी हिस्सेदारी को अनदेखी की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 इस चैप्टर में थे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, तो ये नेक्स्ट यूनिट है हमारी, सेकंड, संरचना एवं प्रक्रियाएं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका न्यायपालिका, तो इसमें हम करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए यहीं तक, धन्यवाद।